गुड इवनिंग, दिस इज माई फर्स्ट वीडियो। आई एम मेकिंग दिस मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग को हम किसी भी चीजों पे बना सकते हैं, लाइक कैनवास, पेपर, पॉट्स। पहले हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर की पैटर्न बना रही हूँ। बिना बॉर्डर के मधुबनी पेंटिंग नहीं होती है, इसलिए बॉर्डर का होना जरूरी है। हम चाहें तो पेंट से भी बना सकते हैं, कलरफुल पेंसिल से भी बना सकते हैं, नीब से भी बना सकते हैं। बॉर्डर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें बीच के पार्ट को बनाना है। पीकॉक हम बनाने जा रहे हैं, जो कि हमारे राष्ट्रीय पक्षी है। ये मोर हमारा तैयार हो रहा है। कुछ ही मिनट बाकी है, हम इसे पूरा कर लेते हैं स्केचिंग, फिर हम उसमें कलर भरेंगे। ये मैंने बॉर्डर को बना लिया है पिकॉक का। अब मैं बनाने वाली हूँ पिकॉक को, कलर करने वाली हूँ आउटलाइन, फिर पेंट भरने वाली हूँ उसमें और डिजाइन करने वाली हूँ। अभी हमारा पिकॉक बन चुका है, अभी बस आंख बनाना बाकी है, जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। बेहद सुंदर लग रही है ये फोटो, सबको जरूर पसंद आएगी हमारी ये वीडियो। अभी हम मोर के पंख को, पीकॉक को कलर कर रहे हैं, आउटलाइन बना रहे हैं, फिर हम इसमें पेंट भरेंगे। सारे कलरफुल हमें बनाने हैं आज। धीरे धीरे तैयार हो जाएगा। से बोलू मैं मोर पूरा अभी बना ली हूँ, पिकॉक हो गया है, अभी बस आउटलाइन हो गए हैं, हमको कलर भरने हैं। बहुत सारे कलरफुल हमें बनाने हैं, जो कि ये शोपीस, वॉल, हैंगिंग, कहीं भी हम इसे लगा सकते हैं। सो दिस पिकॉक बनके आउटलाइन तैयार है। अब हम इसमें और भी कलर बनाने वाले हैं कलरफुल। अभी हम इसको कलरफुल बनाने जा रहे हैं। ऑरेंज कलर का यूज कर रहे हैं, जो कि एक्राइलिक पेंट है, जिससे ये बहुत ही सुंदर दिखेगा। मल्टी कलरफुल हमें बनाने हैं। अभी मैं कलरफुल पिकॉक बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा। आप
आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा वीडियो। बोलते बाबा ये ड्राइंग बहुत ही पुरानी है, पुरानी प्राचीन काल से चला आ रहा है, जो अभी भी आधुनिक है, लोगों को बहुत पसंद आती है। हम इसे कहीं भी बना सकते हैं। इसे नीब से भी बनाते हैं, पेन से भी बनाते हैं। मैं आज ब्रश से बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे बना चुकी हूँ। इसमें सारे कलर मैक्सिमम 5 to 6 कलर तो यूज करेंगे ही, मोर देन 10 कलर भी यूज कर सकते हैं। आपको जो भी कलर अच्छा लगे आप इसे यूज कर सकते हैं। पेपर पे व्हाइट कलर के पेपर पे सारे कलर दिखेंगे। ये कैनवास है, कैनवास पे भी हम सारे कलर बना सकते हैं। मैंने रेड कलर का कैनवास लिया है क्योंकि मुझे रेड कलर पसंद है। ये बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं पिकॉक को हरे कलर से कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने मनपसंद कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, जैसे भी बनाना हो आप उसे बना सकते हैं। हमको अभी वाह कितना सुंदर बन के तैयार है, इतना अच्छा दिख रहा है, सो अमेजिंग। आप इसे कहीं भी घर में लगा सकते हैं, वॉल हैंगिंग के रूप में, कहीं भी इसे दीवार पे, घर में कहीं भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। सो इट्स सो ब्यूटीफुल। अभी हम येलो कलर का यूज कर रहे हैं इसमें, जो कि काफी इसे ब्राइट करेगा। अभी हम वॉयलेट कलर को यूज कर रहे हैं जो कि इसकी ब्राइटनेस भी बढ़ाएगी, कलरफुल कर देगा इसे पूरी तरह से। वाओ सो लवली पिकॉक विल रेडी नाउ। बहुत ही सुंदर बना है ये पिकॉक। ड्राइंग को पेशेंस से थोड़ा बनाना पड़ता है, हमें थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है, बट ये हमें आकर्षक करता है घर को डेकोरेशन में। आप इसे चाहे तो क्रेयॉन से भी बना सकते हैं पेपर पे, चाहे तो पेंसिल कलर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पेंसिल से ड्रॉ करके ब्लैक एंड व्हाइट बनाऊंगी।
ये आज मैंने कलरफुल बनाया है, बच्चों को कलरफुल बहुत पसंद आते हैं। आप चाहें तो इसे मिट्टी के गमले पे, पॉट पे, कहीं भी बना सकते हैं। ये रूम को इनहांस करने में बहुत ही अच्छा कर है। वन मिनट बेबी गर्ल। अब मेरा पिकॉक तैयार हो गया है। चलिए ये देखिए, हमारा पिकॉक तैयार है, जो कि बहुत ही सुंदर बना है, कलरफुल। आप चाहें तो इसे घर में कहीं भी रख सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं। इसे आप डबल साइडेड टेप की मदद से आप इसे वॉल में भी लगा सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर लाइक जरूर कीजिए कीजिए। नेक्स्ट वीडियो क्या बोलूँ, अगर ये वीडियो मेरा पसंद आए तो आप इसे लाइक जरूर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब एंड थैंक्स टू वॉचिंग माई दिस वीडियो टिल। थैंक यू, बाय बाय।